अजमेर से एक और भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। अजमेर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हिंदू समाज के जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर आने वाले जायरीन से कमाकर खाते हैं, उनका विरोध किया जाएगा। इससे पहले अजमेर में निकाली गई हिंदुओं की रैली का भी सरवर चिश्ती ने विरोध किया था। बड़ी खबर इस वक्त की, अजमेर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का यह भड़काऊ बयान। हिंदू रैली पर उन्होंने ये बयान दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि जो हिंदू जायरीन यहां पर आते हैं और यहां जायरीनों के जरिए जिनकी कमाई होती है उसका भी वो विरोध करेंगे। हिंदू समाज के जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर आने वाले जायरीन से कमाकर खाते हैं, उनका विरोध किया जाएगा। इससे पहले अजमेर में निकाली गई हिंदुओं की रैली का भी सरवर चिश्ती ने विरोध किया है। तो लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं और इस तरीके से एक और इसी दिशा में ये बयान, जिसमें अजमेर से एक और भड़काऊ बयान अजमेर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने दिया है। पूरे मामले को लेकर अब विवाद हो रहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि हिंदू समाज के जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर आने वाले जायरीन से कमा कर खाते हैं उनका विरोध किया जाएगा। इससे पहले अजमेर में निकाली गई हिंदुओं की रैली का भी सरवर चिश्ती ने विरोध किया था और इसी को लेकर पूरा घमासान शुरू हो चुका है। तो सरवर चिश्ती साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ भी गए हैं, उनका सीधे हम रुख कर लेते हैं। चिश्ती साहब, इससे पहले सलमान ने जो कहा, सलमान चिश्ती ने, उसका आप विरोध कर रहे थे, लेकिन आप खुद आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पर विरोध हो रहा है। ठीक है, विरोध तो हर मुसलमान की बात पे होता है जी। हमारे यहाँ पे देखिए, बीच में ना बोलिएगा, मैं उठ जाऊंगा। हमारे तो एग्जिस्टेंस पे विरोध है। हमारे से तो कहा जाता है मुसलमानों के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, बुल्ले काटे जाएंगे। और जो बयान आप दिखा रहे हैं ना, इमामबाड़ा में आज इलेक्शन जीतने के बाद अंजुमन का चार्ज मैंने 8 दिन पहले संभाला है। तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी तो डेमोक्रेटिक तरीके से, संविधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का हमारा राइट है और हमने किया है। और दूसरी चीज़ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, देखे ना आप हैं ना मैं हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराया कि नुपुर शर्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्योस एंड ना की, और ये पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, रेड कार्पेट वेलकम बिछा रखा और उदयपुर की किलिंग का भी जिम्मेदार बताया, तो डिबेट तो ये होना चाहिए जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, जो रूट कॉज है उस, वो क्यों नहीं अरेस्ट हुई, ये बताइए ना। क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेंगे जब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी? धर्म संसद होती है, प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी, कभी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी, कभी मुल्ले काटे जाएंगे, बाबरी तो जाकी है, मथुरा काशी बाकी है, तलवार त्रिशूल बांटे जाते हैं, कोई मॉब लिंचिंग करके आता है तो उसको हाथ फूल से स्वागत होता है, मासूम बच्ची का रेप होता है कठुआ में तो रेपिस्ट का, विक्टिम का साथ ना देके रेपिस्ट का दिया जाता है। वो एक ने क्या नाम है राजसमंद में, जिसका नाम था, क्या नाम था राजसमंद वाले का, जिसने मुसलमान को काटा और फिर जलाया और उसके लिए फंडिंग की जाती है। हम तो कंडेम करते हैं इस बात को कि ये गलत हुआ है। सलमान चिश्ती की बात पे भी कंडेम किया उसने, तो घर पे बयान दिया, इस ड्रग एडिक्ट मेंटली रिटार्डेड पर्सन, खुद कह रहा है सुसाइडर है। तो हमने तो सबको वो करा। और ये मेरा बयान देना अनुपुर शर्मा की, अगर प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी हुई तो प्रोटेस्ट करने का मेरा डेमोक्रेटिक और संवैधानिक राइट है। Why not? I am not, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोटेस्ट हुआ है और जीसीसी कंट्रीज ने इस पर संज्ञान लिया है। हमारे उनसे मॉनेटरी रिलेशंस हैं, सब कुछ है उस पर। अच्छा, आपको तो कोई ना कोई न्यूज चाहिए। आप नुपुर शर्मा, और आप ये सवाल क्यों नहीं करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पार्टी इन पावर होती है उससे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे, आज तक इस बात का संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? मुल्क का माहौल खराब है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा जा रहा है, कम्युनल हार्मनी खराब हुई हुई है, वो आके बयान क्यों नहीं देते हैं कि भाई इस तरह की बातें कोई किसी भी समाज से ना की जाए? अब हम फिर सवाल उठाते हैं और प्रॉफिट के मामले में वी आर वेरी सीरियस, लेकिन संविधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, कोई किसी किस्म के ऐसे स्लोगन रेज ना करें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, वॉर क्राई हो और इंसाइट करें किसी को। सरवर चिश्ती साहब, आपने शुरुआती अपनी बात से की कि आपने कहा कि कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं होता, ये मामला कोर्ट में है, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन आप ही का इस तरह का बयान, आप खुद कह रहे हैं कि हम जो जायरीनों के जरिए जो कमाते हैं हिंदू समाज के लोग उनका विरोध करेंगे, आप कह रहे हैं कि वो रैली नहीं निकालने दी जाएगी जो हिंदुओं की रैली निकलती है। एक मिनट सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए, प्लीज चेक योर रिकॉर्ड, हिंदू से ना करें, हिंदू मुस्लिम मैंने बात ही नहीं करी, एक सेकंड, चेक योर रिकॉर्ड, मेरी बात सुनिए। गलत बयान, अच्छा ठीक है, तो बताइए आपका बयान क्या है, आप किस तरह का विरोध कर रहे हैं, किस तरह से विरोध कर रहे हैं? मैं इस बात का विरोध कर रहा था कि हमने पीसफुल प्रोसेशन निकाला
उस औरत के खिलाफ जिसको कि भाजपा ने भी स्पोक्स पर्सनशिप से हटाया है, जिसने हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी की, और आप लोग उसी की हिमायत में जुलूस निकाल रहे हैं। एमएफ हुसैन जो पेंटर थे, उन्होंने सीता जी की शान में गुस्ताखी की। सर्वोच्च साहब, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही हो, आप इस बात पर आपत्ति दर्ज करा रहे थे, आप कहा कि आपने कहा लोकतंत्र है, आपको भी विरोध का हक है पूरी तरीके से, आपने कहा नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो मांग आप इसी चीज की कीजिए ना। फिर समाज को बांटने वाला बयान तो फिर किसी की तरफ से नहीं आना चाहिए। आप कह रहे सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, पर यही दर्द तो हिंदू भी अपना बयान कर रहे हैं। बांट कौन रहा आपके हिसाब से? मुझे एक बात बताएं, प्रॉफिट पे गुस्ताखी हमने की या उन्होंने की? हमने किसी देवक देवता की शान में गुस्ताखी हमने कभी की? जब उन्होंने की और उसको स्पोक्स पर्सनशिप से निकाल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का अपना एक वो आया है ऑब्जर्वेशन, उसके बावजूद अगर उसका लोग साथ देते हैं, एक गिल्टी तो नहीं कहूँगा, एक अक्यूज का जो इस मामले में अक्यूज है, तो हमें दर्द नहीं होगा, हमें परेशानी नहीं होगी। ऐसा भी किया वो जो था रैगर करके, शंभू रैगर राजसमंद में, उसने मुसलमान को कुल्हाड़ी से काट के जलाया, वीडियो अपलोड की और उस पर उनके समाज के लोगों ने उसको पैसे दिए कि बैंक में लड़ेंगे। वहाँ पे तो ये बात होती है, और हमारे कोई ज़रा सा भी बयान भी देता है तो हम उसे कंडेम करते हैं। उदयपुर किलिंग को हमने कंडेम किया, लेकिन हमारे साथ तो इतने सारे मुल्ले काटे जाएंगे पूरी कम्युनिटी के लिए। कहते हैं मुसलमानों के दोस्तान पाकिस्तान या कब्रिस्तान, मॉब लिंचिंग होती है जो करते हैं उनके हाल लड्डू, बच्ची का रेप होता है कथुआ में नफीसा का, तो रेपिस्ट का साथ देते हैं बजाय विक्टिम का साथ देने के, तलवारें बांटते हैं, त्रिशूल बांटते हैं, इस्लाम को जड़ से उतार देंगे वगैरह, बजरंगी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कश्मीर की लड़की गोरी लड़कियों से शादी होगी, ये सब करते हैं। हमने तो अपनी बात रखी है कि जिस नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट की गुस्ताखी की उसकी हिमायत में आप क्यों उतर रहे हैं? हमारा ये सवाल बुनियादी है, लॉजिकल है, लीगल है, डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जो उसकी हिमायत करेगा। अब प्रज्ञा ठाकुर जो एक्यूज हैं टेररिज्म में, उनको आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, तो हमारी भावना है हमारी हाथ होना चाहिए या दूसरों की होना चाहिए? ये बताइए आप प्लीज, सेंस ऑफ जस्टिस तो होना चाहिए ना। ठीक है सर्वश्रेष्ठी, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये बताइए, आप क्योंकि एक बड़े धर्मगुरु हैं, आपको लोग सुनते हैं, एक तबका पूरा आपकी बातों को फॉलो भी करता होगा, सुनता भी होगा, एक समाज के लिए आप जैसे लोगों की तरफ से कुछ भी अगर बयान दिया जाता है वो बहुत मायने रखता है। क्या लगता है आपको कि इन दिनों धर्म गुरुओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? आपने उन लोगों को भी सुना होगा जो लोग सर तन से जुदा के नारे भी लगातार दे रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए चाहती हूँ आप कुछ कहें। हम मैंने बराबर हमारी अंजुमन कमेटी ने बाकायदा मीडिया पर उनको कंडेम किया है, उनकी निंदा की है, उनकी मजम्मत की है, वो ये कह के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, कम्युनल हार्मनी का, कंपोजिट कल्चर का, प्लुरिस्टिक सोसाइटी के नॉर्म्स को एड्रेस करता है, डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, एंड फॉर लास्ट 800 ईयर्स वी आर प्रमोटिंग दिस, ये हमारे DNA और जीन्स में। अब हम किस तरह से कंडेम करें कि उल्टे लटक जाएं? अब आप बताएं ना, क्या आपके लोग कंडेम करते हैं कि जो वो काटे जाएंगे और मारे जाएंगे ये वो? कितने लोग कंडेम करते हैं? यहाँ तो तमाम प्रोमिनेंट मुस्लिम्स ने आके कंडेम किया, अब आप क्या चाहते हैं ये तो बताएं। वी स्ट्रांगली कंडेम, क्योंकि बारगाह गरीबनाज किसी धर्म विशेष की आस्था की जगह नहीं है, ये सबकी जगह है, और ये हमारे पुरखों ने इस रवायत को कायम किया, खाजगाने चिश्त ने किया, हजरत ख्वाजा मीर खुसरो चिश्तिया सिलसिले के कल्चरल एम्बेसडर हैं, आप कभी आए आपका भी स्वागत है, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, उनकी जनरेशन में आते हैं। अगर प्रॉफिट के खिलाफ बात होगी तो सब में पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की चौखट से ही आवाज उठेगी, लेकिन संविधानिक तरीका से, डेमोक्रेटिक तरीके से, ये नहीं कि सर काट दिया है कलम कर दिया जाए, क्योंकि इस्लाम जो है इस किस्म की चीजों को बिल्कुल मना करता है, कुरान मना करता है, प्रॉफिट की सेइंग मना करती है, तो इस चीज को हम डिप्लोर करते हैं, कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं, परसों से यही तो कर रहे हैं 4 दिन से, और क्या करें आप? देश की सर्वोच्च अदालत ने जिस तरीके की सख्त टिप्पणी की है नुपुर शर्मा पर, आपको ये उम्मीद तो होगी ना, कानून पर विश्वास तो होगा, भरोसा होगा। साफ तौर पर उदयपुर की घटना को लेकर भी नुपुर शर्मा को कह दिया गया कि आपके बयान का नतीजा है, तो आपको कहीं ना कहीं विश्वास तो होना चाहिए ना सर कि एक्शन होगा। विश्वास कैसा, कानून पे तो विश्वास है, पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया अब तक? हमारे बच्चे अगर CNRC में डेमोक्रेटिक प्रोसेशन करें तो आज 2 साल से उनकी जमानत नहीं हो रही है, UAPA लगा हुआ है उन पे। अब काय का, अब मुझे बताएं, कानून पे तो हमें विश्वास है, कॉन्स्टिट्यूशन पे, प्रीएम्बल पे विश्वास है, लेकिन जो एजेंसीज अरेस्ट करने का काम कर रही है क्या उन्होंने किया? और दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, अब आप बताएं कैसे भरोसा करें?
यू टेल मी, एक एज एन इंडियन आपसे मैं बात कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम का हटा दीजिए, मैं कहीं जाऊंगा? थैंक्स अ लॉट, सो काइंड ऑफ यू। धन्यवाद सरवर चिश्ती साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप ये अंजुमन कमेटी के सचिव को सुन रहे थे, सरवर चिश्ती साहब, जो ये कह रहे थे कि इस तरह की बयान जो नूपुर शर्मा की तरफ से दिया गया उसका विरोध लगातार हम करते रहेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विरोध करना हमारा संवैधानिक हक है, संविधान पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। लेकिन उन्होंने नाराजगी इस बात को लेकर जताई कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही है। अजमेर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर अगर कुछ भी कहा जाएगा तो वो हमें बुरा लगेगा, इसीलिए हम उसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन गुस्सा इस बात पर साफ तौर पर उन्होंने जाहिर किया कि नूपुर शर्मा पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बावजूद, उन पर दर्ज FIR के बावजूद अब तक नूपुर शर्मा बाहर क्यों है, उन पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं देखा गया। ऐसे में अगर हम विरोध करते हैं तो वो हमारा संवैधानिक हक है, हम विरोध करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर अब तक खामोश क्यों हैं, ये भी कहना था सरवर चिश्ती का, जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनकी तरफ से कहा गया, मैंने मौजूदा हालात पर जो कुछ कहा, जो बयान उनका वायरल हो रहा है, उनके मुताबिक वो बिल्कुल सही है। देश की मौजूदा स्थिति, मौजूदा हालात कुछ ऐसे ही है। वो बहुत दूर है, आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।